हेलो स्टूडेंट, हम लोग बात करने वाले आज के सवालों के अंतर्गत हेलो एल्केन की। कल हमने आपको बताया था हेलो एल्केन के अंतर्गत कि हेलो एल्केन क्या होते हैं और उनको कुछ आईयूपीएसी लोगों की बात की। तो आपने देखा होगा कि जो आपने आईयूपीएसी में दिए थे वो आप आईयूपीएसी देख रहे हो, उसमें एक हेलोजन होता है और एक एल्केन होता है, दोनों को मिलाने के बाद हेलो एल्केन होता है। जैसे की परिभाषा आपको बताई गई थी, एल्केन होते हैं हेलोजन जो उत्पन्न होते हैं उनको आप लोग हेलो एल्केन। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल मैटर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि जो एल्किल हैलाइड है उन एल्किल हैलाइडों की सामान्य अभिक्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं कि एल्किल हैलाइड कैसे बनता है उसकी सामान्य बात करने वाले हैं। इसमें जो पहला बिंदु है नंबर ए, इसको हम लोग कहते हैं एल्केनों के हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, एल्केनों के हैलोजनीकरण। देखिए इसमें क्या है, एल्केनों के हैलोजनीकरण में हम लोग जानते हैं यहां पर एक एल्केन लेना है और एक हैलोजन लेना है और इसका हमें हैलोजनीकरण करना है। तो यहां पर एल्केन की स्थिति हम लोग जानते हैं कि बेस ही कार्बनिक यौगिक, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, हम उनको एल्केन कहते हैं। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने यहाँ पर लिया है CH4। जैसा कि आप जानते हैं CH4 को हम लोग मीथेन कहते हैं। यहाँ पर एक हमको हेलो एल्केन लेना है तो हमने ले लिया क्लोरीन, और यहाँ पर हमको हेलो एल्केन के साथ साथ हम क्लोरीन लेते हैं तो हम यहाँ पर करते हैं सूर्य का प्रकाश सनलाइट, तो मेथेन और आपका हैलोजन और आपका सनलाइट, यहाँ पर ये प्रोसेस बनती है, उसको हम कहते हैं CH3Cl plus HCl। आप देखिए यहाँ पर जो CH3Cl बना है ये एल्किल हैलाइड कराएगा और उसको हम कहेंगे CnNO और क्लोरो मेथेन। ये प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस होती है, इसको हम लोग और अधिक बढ़ा सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए ये देखिए विधिक्रिया विधि अपनाते हैं, हमने कहा CH4 plus Cl2, यानी ये यहाँ पर आपको बना था CH3Cl और हमने HCl निकाला था, ठीक है, HCl इसके नीचे आ गया और ये सनलाइट थी, सूर्य का प्रकाश था। दूसरा हमने फिर यहाँ पर क्या करा, Cl2 प्रयोग किया। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ होने वाली है, तो एक H और HCl बाहर हो गया, यहाँ पर वही सनलाइट ये बाहर हो गया, तो आप देखिए यहाँ पर एक H कम हुआ, एक H कम हुआ तो एक HCl बढ़ेगा, तो हमने कहा CH2Cl2। मैंने यहाँ पे क्या था CH3Cl और यहाँ पे क्या आ गया CH2Cl2, यानी कि यहाँ पर एक Cl है और यहाँ पर दो Cl है, जब दो Cl आएंगे तो हम उसको कहेंगे डाइक्लोरोमेथेन, इसको हम कहेंगे क्लोरोमेथेन। वही पोजीशन पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने फिर से एक Cl2 लिया और फिर वही सनलाइट एक H के साथ एक Cl निकल गया, तो ये HCl बाहर हो गया, HCl बाहर होते ही हमने देखा कि यहाँ पर CHCl3 है, Cl3 है, तीन Cl को हम लोग ट्राई कहते हैं, Cl में क्लोरो हो गया तो ट्राइक्लोरो और एक कार्बन है तो ट्राइक्लोरोमेथेन, ये बनता है ट्राइक्लोरोमेथेन। फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, हमने कहा Cl2 और सनलाइट, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो H था इसको हम हटा देंगे CCl4 और क्या बचेगा प्लस HCl। पूरी रिएक्शन में आप देख सकते हैं क्लोरोमेथेन डाइक्लोरोमेथेन और यहाँ बनता है ट्राइक्लोरोमेथेन और ये हमारा जो कंपाउंड अंतिम बनता है इसको हम लोग कहते हैं टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो इस तरह से जब एल्केनों का हैलोजनीकरण होता है तो ये पूरी प्रोसेस इसको प्राप्त होती है। एक चीज हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर एच की संख्या चार थी, रिप्लेस करते 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 हम यहाँ पर एच कोई नहीं है, यानी कि हैल्किल हैलाइड बन गया है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं रह गया है, जब तक हाइड्रोजन है उसको आप रिप्लेस करके क्लोरीन द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। ये था हमारा पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, देखिए
पॉइंट नंबर दो इसी के अंतर्गत है। पॉइंट नंबर दो को हम लोग कहेंगे एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइडों का यूज। एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का यूज। आप एक चीज को ध्यान दीजिए, जैसे कि यहां पर कहा जा रहा है एल्कीन, हम एल्केन की बात कर रहे थे, तो एल्केन में हमारा था जहां पर कार्बन के बंधन से निर्माण होता है फिर सब एल्केन होते हैं। अब यहां पर एल्कीन की बात आई तो एल्केन का मतलब, एल्कीन का मतलब हो गया कि यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, उसकी वैलेंसी हम पूरी करेंगे यानी दो और एक तीन, या एक और लगा दीजिए तो हो गया चार, कार्बन की वैलेंसी चार होती है। दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन हैलाइड, ऐसे यौगिक का चयन कर रहा है जिसमें हाइड्रोजन की उपस्थित हो। हाइड्रोजन उपस्थित होने का मतलब हमने कहा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हमको बनाना है एल्किल हैलाइड। तो यहां पर देखिए ध्यान देंगे इस H को आप इधर ले आइए, जब आप इस H को इधर ले आते हैं रिएक्शन होता है, जब H इधर आ जाता है तो यह CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है किसी तरह हम Br को जोड़ देंगे तो हमने कहा CH3 CH2 Br। देखिए CH3 CH2 Br पूरे के नाम आप देख सकते हैं, एक दो कार्बन है एक ब्रोमो है, इसको हम कहेंगे ब्रोमो मेथेन। देखिए ब्रोमो एथेन यह एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहा ब्रोमो एथेन। अगर एग्जांपल की दृष्टि से देखें तो हम एक एग्जांपल और लिख सकते हैं इसका, हमने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यह हमारा एथेन था, यहाँ पर तीन कार्बन है, वो तीन कार्बन की श्रृंखला जो होती है वो हमारी कहलाती है प्रोटीन PROTEN। ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको हमने कहा प्रोटीन। प्रोटीन में हमने एल्किल हैलाइड को जोड़ दिया तो हमारा HBr आ गया, और HBr जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे इस H को उठाएंगे इसके साथ जोड़ देंगे, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो कंपाउंड हमारा बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। अब देख रहे हैं कितने कार्बन है, और कार्बन की स्थिति को देखिए यहाँ कार्बन की संख्या तीन है, और तीन कार्बन की संख्या जब होती है तो उसको हमने कहा प्रो, यहाँ पर सबके बीच में एक बंध लगा हुआ है तो हमारा हो गया एल, एक यहाँ पर बीआर लगा हुआ है तो हमारा हो गया ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन यानी इस तरह से इसकी जितनी रिएक्शन हम चाहे उतनी रिएक्शन हम बना सकते हैं, लक्षणों की श्रृंखला आगे पीछे भी कर सकते हैं, घटाव बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमको ये देखना है कि यहाँ पर हमने तीन कार्बन की चेन ली, हम चाहे तो उसमें चार कार्बन की चेन ले सकते हैं, हमने कहा CH3 CH2 CH3 CH फिर CH और फिर CH3। ध्यान दीजिए कार्बन की वैलेंस चार है यहाँ पर, दो तीन और एक चार, दो तीन और एक चार, इसको हमने कहा ब्यूटेन। ब्यूटेन के साथ आप HBr लगा दीजिए, और जब आप HBr ब्यूटेन के साथ बनाएंगे तो आपका जो बनने वाला कंपाउंड है उसमें आप क्या करेंगे, एक जगह आप H जोड़ दीजिए, दूसरा जगह बचता है आप Br जोड़ दीजिए, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH Br और CH3। आप इसका जब नाम लिखेंगे तो हम इसको देखेंगे एक दो तीन चार कार्बन है, और तीन कार्बन के स्थान पर एक Br लगा हुआ है। इधर से आप काउंटिंग करेंगे तो तीन होता है, लेकिन एनपीएसी का नियम कहता है दस क्रियात्मक समूह पास पर जो से नंबरिंग करिए, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 यानी टू नंबर पर लगा हुआ है, तो इसका आप नाम लिख देंगे टू ब्रोमो, टू ब्रोमो। अब क्या हो जाएगा ब्यूटेन। आज हमने यहाँ पर दो विधियों के बारे में बात की है,
जनरल मेथड आपको क्वेश्चन आपसे हैलाइड में दो चीजों की बात की है थी, एक एल्केनों की और एक एल्कीनों की, जिससे हमने क्या प्राप्त किया है एंटी स्टैटिक।